नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चिट देवी क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आज का हमारा विषय है बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन, कि बाइनरी नंबर्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने से पहले हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक इंटीजर होते हैं, उनको भी हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम प्लस में उसे रिप्रेजेंट करेंगे या माइनस में। कोई भी वेरिएबल, कोई भी डिजिट होती है, जब हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कन्वर्ट करने पर उसका पॉजिटिव या नेगेटिव केस देखा जाता है। यदि हमारे पास प्लस माइनस का हमने यूज़ किया है उसको किसी भी डिजिट को लिखते टाइम पर, तो हम उसकी प्लस के लिए हम अलग से बाइनरी में डिजिट यूज़ करते हैं और माइनस के लिए हम अलग से बाइनरी में डिजिट यूज़ करेंगे। तो ऐसे केस को या ऐसे नंबर को हम कहेंगे साइंड बाइनरी नंबर। और यदि हमने प्लस माइनस यूज़ नहीं किया बाइनरी कोड्स में लिखते टाइम पर, तो हम ऐसे केस को कहेंगे अनसाइंड बाइनरी नंबर। तो इस प्रकार किसी भी वेरिएबल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो होती है साइन फॉर्म चिन्ह के साथ, एक होती है अनसाइन फॉर्म चिन्ह के बिना। चिन्ह के साथ जितने भी नंबर्स आते हैं उसमें हम एक साइन फ्लैग यूज करते हैं। साइन फ्लैग से तात्पर्य है, यहाँ पे मतलब है या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो इस प्रकार हम प्लस माइनस से यह पता लगाते हैं कि जो भी कोई हमें डिजिट दी गई है, वैल्यू दी गई है, वेरिएबल दिया गया है, वो नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है। यदि हमारे पास अनसाइन नंबर अगर हम स्टोर करते हैं तो वो केवल और केवल पॉजिटिव ही होगा, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते, क्योंकि अनसाइन नंबर के अंदर हमें यह नहीं पता लगाना पड़ता कि वो डिजिट हमारे पास प्लस की है या माइनस की है। अगर हमने प्लस माइनस को काउंट करना है तो हम ऐसे केस को केवल साइन बिट में ही काउंट करेंगे, और अदरवाइज अगर हमें ये काउंट नहीं करना है तो फिर हम केस लेंगे अनसाइन बिट। अनसाइन बिट में केवल और केवल हम पॉजिटिव को ही कंसीडर करके चलते हैं, नेगेटिव का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। ठीक इसी प्रकार नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, ये हमने टेक्निक्स है नंबर को रिप्रेजेंट करने की। तो इनको भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन को यूज करते हैं तो उसे कहेंगे हम साइन बाइनरी नंबर, और यदि हम पॉजिटिव नेगेटिव यूज नहीं करते हैं तो उसे कहेंगे अनसाइन बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में भी हम एक से ज्यादा तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग हमारे पास मेथड्स है। इसमें से ज्यादातर जो पॉपुलर होते हैं, डिजिटल सिस्टम में यूज में आते हैं, वो होते हैं अनसाइन बिट बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में हम ज्यादातर जो भी कोई यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन बाइनरी क्वांटिटीज, उसको हम उसके डिवाइस के अकॉर्डिंग करते हैं। बाइनरी नंबर्स में भी दो तरह की स्टेज होती है, दो तरह के ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं, पॉसिबल कंडीशंस होती है, जिन्हें हम ज़्यादातर कहते हैं ओपन या क्लोज। यह एक स्विच की तरह होता है कि हमने यदि उसे क्लोज कर दिया है केस को तो ये हमारे पास वन रिप्रेजेंट करेगा, और यदि हमने इसको स्विच को जो कि क्लोज था इसे हमने ओपन कर दिया है तो ऐसे केस को हम कहेंगे जीरो। तो ये बस इसमें इतना ही होता है कि कौन से डिजिट को हमने जीरो शो करना है, कौन सी डिजिट को हमने वन शो करना है, अर्थात कौन सी डिजिट को हमने प्लस शो करना है, कौन सी डिजिट को हमने माइनस शो करना है। केवल इतना ही इसमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में किया जाता है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने इसका एक ग्राफ मेथड यूज़ किया है कि इसमें पॉजिटिव नंबर जो केवल केवल पॉजिटिव नंबर ही कंसिडर होंगे उन्हें तो हमने यहाँ पे अलग से शो कर दिया अनसाइन रिप्रेजेंटेशन के केस में, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम पॉजिटिव भी कंसीडर करके चल रहे हैं और नेगेटिव भी कंसीडर करके चल रहे हैं, इसको हमने साइन रिप्रेजेंटेशन में शो कर दिया। अब साइन रिप्रेजेंटेशन को भी हमने तीन मेथड्स में अलग अलग में डिवाइड कर दिया है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमारे पास दो फॉर्मेट आएंगी, या तो वो प्लस का होगा पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का मतलब है कि उसका कॉम्प्लीमेंट अर्थात वो उसका उल्टा, ठीक है, कोई भी हमें डिजिट दी जाएगी बाइनरी में, यदि हमें जीरो दिया गया है तो उसका अपोजिट होगा कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, ठीक है, और अगर हमें 1 दिया गया है तो उसका 1s कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो हम हर एक डिजिट को, हर एक बिट को अपोजिट करते जाएंगे, यानी उल्टा करते चले जाएंगे, कन्वर्ट करते चले जाएंगे, ये होगा हमारे पास 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, जब हम 1s कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक डिजिट ऐड कर देंगे, यानी 1 बिट ऐड कर देंगे, 01 में से 1 जब ऐड कर देंगे तो बनने वाला जो फॉर्मेट होगा वो हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होगा। इसमें केवल हम एक जीरो को काउंट करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट में हम 2 जीरोस को काउंट करते हैं, ऐसे ही साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी 2 जीरोस को काउंट करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि
जहाँ जहाँ टू जीरोज आ रही है वहां पर हमें यह पता चलेगा कि हमारे पास जो भी कोई डिजिट या डेटा है वो जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जहाँ पे जीरोज नहीं आ रही, कम से कम जीरोज का यूज हो रहा है, वहां पे ज्यादातर डेटा के पॉजिटिव होने की ही पॉसिबिलिटीज है। इन चीजों से बस हमें इतना ही पता चलता है। अब हम बात करेंगे अनसाइंड नंबर के बारे में। ऐसे नंबर जिनके पास कोई साइन नहीं है, जिनके पास कोई चिन्ह नहीं है, ना तो उनके पास चिन्ह प्लस का है और ना ही उनके पास चिन्ह माइनस का है, ऐसे नंबर को हम अनसाइंड नंबर कहते हैं। अनसाइंड नंबर डोंट हैव एनी साइन, इनके पास किसी भी तरह का कोई साइन नहीं है। ऐसे केस में केवल है उनके पास एक मैग्नीट्यूड होगा नंबर का। तो ऐसे नंबर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो केवल और केवल पॉजिटिव ही होंगे। अनसाइन बाइनरी नंबर केवल पॉजिटिव ही होते हैं, इनके पास कुछ साइन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे, उन्हें हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। जब भी हम कंप्यूटर में कोई डिजिट लिखते हैं, प्लस फाइव या सिंपल फाइव भी अगर हम लिखते हैं, प्लस फाइव की जगह सिंपल सिक्स लिख दिया या सिंपल सेवन लिख दिया, जब कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा अपने अकॉर्डिंग किसी भी डिजिट में, तो इसके पास कुछ साइन नहीं है, तो वो कंप्यूटर जब कन्वर्ट करेगा अपने अकॉर्डिंग तो उसे वो पॉजिटिव मान के कन्वर्ट करेगा। और ऐसे कन्वर्ट करने पर जो भी कोई उसके पास रिजल्ट आएगा, जैसे फाइव का रिजल्ट आया 0101, तो 0101 को वो कंप्यूटर मान के चल रहा है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये अनसाइन नंबर है और इसके लिए हमें कोई अलग से इसकी लेबर नहीं करनी पड़ेगी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसके अंदर बाइनरी को ऑपरेशंस को किसी भी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, तो कंप्यूटर को इसके अंदर किसी भी तरह से कोई अलग से लेबर नहीं करनी पड़ेगी इसको आगे प्रोसीड करने के लिए। तो यही इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है कि ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसकी एक रेंज होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी रेंज रहती है 0 to 2 की पावर n-1। ये हमें यह बताता है कि ये जो नंबर है इसके अंदर जो बिट यूज होंगी वो कहाँ तक जा सकते हैं, उनकी क्या क्या रेंज हो सकती है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे डिजिट लिया है 92 हमारे पास एक अनसाइन बाइनरी नंबर है। इसको पहले तो हम सिंपली कन्वर्ट करेंगे कि इसमें बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पर हम देखते हैं कि इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 7 डिजिट यूज हो रहे हैं। तो 7 डिजिट जो है वो बाइनरी नंबर्स के जो यूज हुए हैं बाइनरी कोड्स के अकॉर्डिंग 0101 करके, यही क्या बता रहे हैं इसका 92 का एक मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ये एक इसका परिणाम है, ये परिणामी संख्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है जो कि इसको एग्जैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने ना तो प्लस के लिए कोई अलग से शो किया, ना ही हमने यहाँ पे कोई माइनस के लिए हमने यहाँ पे कुछ अलग से शो किया है। तो इस तरह से बनने वाले नंबर को हम कहेंगे अनसाइन नंबर, जो कि एक डिफॉल्ट वैल्यू लिए हुए होते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर मैग्नीट्यूड्स होता है नंबर का। बस ये कंप्यूटर के लिए काफी आसान होता है, इसके थ्रू कोई भी बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो कंप्यूटर को काफी आसान। एक एग्जाम्पल हम और लेके चल रहे हैं, इसमें हम पता लगाएंगे कि 5 बिट का हमें एक अनसाइन बाइनरी नंबर दिया गया है, उसकी क्या रेंज है, उसकी मिनिमम रेंज कितनी है और मैक्सिमम रेंज कितनी है, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हम उसकी फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी इसकी रेंज होती है अनसाइन नंबर की, वो भी हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 0 to 2 की पावर n-1 होती है, 0 से स्टार्ट हो सकती है और 2 की पावर n-1 तक जाती है। अब यहाँ पे हमें 5 बिट दिया गया है, यानी हमें n की वैल्यू गिवन है, n इक्वल टू हमें 5 गिवन है और यहाँ पे हम एज इट इज 5 रख देंगे, तो 2 की पावर 5-1 तो कितना आ रहा है 2 की पावर 5, यानी 32, 32-1 यानी 31 के लिए फिर हम इसके अंदर डिजिट यूज करेंगे 111, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी 0 थी और मैक्सिमम वैल्यू 111 5, तो हमारी जो मिनिमम रेंज हुई वो हुई 5 बार 0 कंटिन्यू 2 1 1 1 1 1, जो कि 31 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से फिर हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर 5 बिट अनसाइन बाइनरी नंबर। ये रेंज हमें यह बताएगी कि हमारा जो भी कोई डिजिट होगी, कोई भी अनसाइन बाइनरी नंबर होगा, वो कहां तक वेरी करेगा, कहां तक वो जा सकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। तो जो भी कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आती है अनसाइन बाइनरी नंबर की, वो इनके बीच में होगी, ये इसकी क्या है रेंज हो गई। तो इस प्रकार हम बाइनरी नंबर्स में अनसाइन के बारे में हमने पढ़ा। अनसाइन नंबर्स से हमें यह पता लग जाता है उसकी रेंज क्या है, वैल्यू सारी पॉजिटिव है, कैलकुलेशन इजी है और हर तरह के ऑपरेशंस वगैरह जो भी बाइनरी ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म करवाने हैं वो सारे इजी हो जाते हैं। तो कंप्यूटर को रीड करना आसान हो जाता है, कंप्यूटर्स को पढ़ना, उसके अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना, हर एक तरह से
एक सुटेबल कंडीशंस क्रिएट कर देती है अनसाइन बाइनरी नंबर। अगला पॉइंट है हमारे पास साइन बाइनरी नंबर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।